हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मुद्रा विज्ञान। मुद्रा विज्ञान में ये होता है कि हमारा जो हाथ होता है उसमें हम पूरी बॉडी को मानते हैं, और डिफरेंट जगह उसके पोस्चर बनाने में, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर बनाने में, और उससे कई सारी डिजीज ट्रीट हो जाती है और कई सारी बीमारियों में लाभ मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पांचों उंगलियों में कौन से महाभूत की प्रधानता है। हम मिडल फिंगर से स्टार्ट करेंगे, मिडल फिंगर से थंब की तरफ जाते हैं। तो मिडल फिंगर में आकाश तत्व है, और फिर इंडेक्स फिंगर, इसमें वायु तत्व है, फिर थंब में अग्नि तत्व है, ठीक है। और फिर हम लिटिल फिंगर से रिंग फिंगर की तरफ आएंगे। तो लिटिल फिंगर जल तत्व की, और फिर अनामिका जो है उसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है। तो इसी से, यहीं से फिर इनके वो भी होते हैं कि इनमें चक्र भी माने जाते हैं, ठीक है। जैसे लिटिल फिंगर में है स्वाधिष्ठान चक्र, और फिर रिंग फिंगर में मूलाधार चक्र, और मिडल फिंगर में विशुद्धि चक्र, ठीक है। और फिर तर्जनी में अनाहत चक्र मानते हैं, और थंब में मणिपुर चक्र, ठीक है। और इनका एक बार नाम देख लेते हैं। थंब को अंगुष्ठ कहते हैं, इंडेक्स फिंगर को तर्जनी कहते हैं, मिडल फिंगर को मध्यमा कहते हैं, और रिंग फिंगर को अनामिका कहते हैं, और लिटिल फिंगर को अपने कनिष्ठा नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे, ये ज्ञान मुद्रा है जिसमें जो हमारी ये वाली जो है इंडेक्स फिंगर, जिसे तर्जनी कहते हैं, इसे थंब से जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अगर ये अपने डेली 30 से 45 मिनट्स अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपको कंसंट्रेशन बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, आपके जो क्रोध है वो शांत होता है, और अनिद्रा दूर होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं जिसका बीपी ज़्यादा है उसको इसमें रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अब आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में क्या होता है, इसमें मिडल फिंगर से अपने अंगूठे को टच करके रखते हैं। ये अगर कोई भी 30 मिनट्स प्रैक्टिस करता है डेली, तो आकाश से कानों की सुनने की शक्ति बढ़ती है, और उच्च रक्तचाप में भी लाभ मिलता है, ठीक है। अब ये पृथ्वी मुद्रा, ठीक है। ये मुद्राओं के नाम इनके, इनमें जो इनके महाभूत है उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है, कि जिस उंगली में कौन से महाभूत की प्रधानता है तो उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। तो पृथ्वी मुद्रा, इसे अगर अपने 30 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, और विटामिन की कमी दूर होती है। फिर लिटिल फिंगर से टच कराते हैं थंब को, तो इसको कहते हैं इंद्र मुद्रा, ठीक है। अगर अपने इसे डेली 30 मिनट्स प्रैक्टिस करते हैं, तो ये स्किन डिजीज में लाभकारी है, दस्त होने पर डिहाइड्रेशन नहीं होता है, ठीक है, और लघु शंका बार बार नहीं जाना पड़ता है, मतलब बार बार आपको यूरिन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपकी वो प्रॉब्लम भी सही होगी। फिर आती है वायु मुद्रा। इसमें क्या है, अपने थंब के जस्ट बगल वाली फिंगर को अपने पाम से टच कराना है, और थंब से अटैच रखना है, बाकी जो तीनों फिंगर बची हुई है इन्हें अपने खोल के रखना है, ठीक है। और अगर अपने 30 से 45 मिनट्स डेली से अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे अपने घुटने और शरीर में कहीं भी अगर दर्द है तो उसमें लाभ मिलता है, और अगर किसी को डकार की प्रॉब्लम है, जैसे रुक रुक कर डकार आती है, तो उसमें भी उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसमें सर्वाइकल, जैसे गले में दर्द होता है कई लोगों को, दर्द है कहीं पे, गठिया है, एड़ी में दर्द है, तो उसमें भी लाभ होगा, और हृदय की पीड़ा में भी उपयोगी, जैसे किसी को दिल में दिल का दर्द है तो उसमें भी, ठीक है। अब ये शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में क्या है, हमें जो मिडल फिंगर है उसे जस्ट अंगूठे के नीचे से प्रेस कराना है, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर दे करके, और अंगूठे को उसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये शून्य मुद्रा है, ठीक है। तो अगर अपने 30 से 45 मिनट्स डेली अगर से प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे क्या होगा, शरीर में कहीं भी सुन्नपन है, अगर जैसे कई लोगों को नमनेस होती है, पैर कभी भी झन्नाट, उसमें कहते हैं झन्ना रहा है, तो उस तरीके से उसमें इफेक्टिव है काफ़ी। और कानों में बहरापन है, अगर किसी को जैसे कान बहता हो या कानों में मैल जमा हो, तो लाभकारी, मेनली वही कान की बीमारियों के लिए बेटर है, ठीक
है, कानों में साई साई की आवाज में भी लाभ करती है, ठीक है। से किसी को इनसे मॉडर्न में टीटस वगैरह कहते हैं, ठीक है। और सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा में क्या है, वही थंब को अपने ये जो लिटिल फिंगर के बगल वाली उंगली है उसको प्रेस करके रखना है थंब से, तो ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। अगर अपने डेली से 15 15 मिनट दिन में 2 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो सर्दी जुकाम से अक्सर लोगों को हो जाता है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मोटापा है तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, और मधुमेह यूरिया भी कम होता है, मोतियाबिंद कम होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, ठीक है। तो काफ़ी इफेक्टिव है, तो इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। जलोदर नाशक या वरुण मुद्रा, ठीक है। इसमें क्या है, लिटिल फिंगर है उसे थंब से प्रेस करके रखना है, ठीक है। ये अगर अपने 30 to 45 मिनट्स अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो शरीर में सूजन कम करती है, और पेट में पानी से दलोदर कहते हैं, मॉडर्न में से असाइटिस कहते हैं, तो उसमें भी हेल्पफुल है और में लाभ कर, और साइनस हाथ पाँव में कभी भी में भी लाभ करती है, ठीक है। कहीं भी अगर सूजन है, स्वेलिंग वगैरह है तो उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। और ये प्राण मुद्रा है, इसमें क्या है, अपने लिटिल फिंगर और लिटिल फिंगर के बगल वाली फिंगर अनामिका, ठीक है। तो ये प्राण मुद्रा है, इसको अपने को तीनों उंगली टच करके रखना है, ठीक है। अगर अपने इसे डेली 30 to 45 मिनट्स प्रैक्टिस करते हैं तो इससे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, दुर्बलता कम होती है, ठीक है। जीवनी शक्ति बढ़ती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, दृष्टि दोष भी दूर होता है, रक्त वाहिनी की रुकावटें ब्लॉकेज दूर होती है, ठीक है। मेनली वही आई डिजीज इम्यूनिटी बढ़ाएगी, लकवे की कमजोरी दूर होती है, अगर किसी को पैरालिसिस में वीकनेस वगैरह आती है, ठीक है। सभी प्रकार के फ्लू स्वाइन डेंगू में भी लाभदायक है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें डेली 30 to 45 मिनट, जैसे आप कहीं भी खाली बैठे हैं ऑफिस वगैरह में या कहीं पर भी पार्क वगैरह में तो कर सकते हैं, किसी को कुछ मतलब कुछ लगेगा भी नहीं, आप आपको हाथ में ही तो करना है कुछ, वो बहुत वैसा नहीं है, आप कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। ये है अपान मुद्रा, इसमें क्या है, मिडल फिंगर और अनामिका जो है उसको आपको थंब से दोनों को मिला करके टच करके रखना है, ठीक है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ये भी वही 15 से 20 मिनट डेली करना है। तो यह मुद्रा नाभि से नीचे के सभी अवयवों, पेट, नाभि, गुदा, गुप्तांग, घुटना, पिंडली, जंघाएं, पैर आदि सभी अंगों में से संबंधित सभी रोगों का उपचार करती है, ठीक है। तो ये अपान मुद्रा वही अपान वायु से, मतलब अपान वायु का स्थानीय वही नाभि से नीचे होता है, तो नाभि से नीचे जितनी भी डिजीज होंगी उनमें इफेक्टिव होगी, ठीक है। और इसमें पसीना आने की क्रिया सुधरती है, ठीक है। पैरों में जलन ठीक होती है, ठीक है। जैसे कई लोगों को दिक्कत आती है पैरों में जलन बुढ़ापे में, ठीक है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो जी मिचलाना, हिचकी, उल्टी, दस्त में लाभ है, ठीक है। और उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे एवं श्वास के रोग, पेशाब की जलन, यकृत, लीवर के रोग, पेट दर्द, कब्ज, बवासीर, पाइल्स में लाभकारी है। गर्भावस्था के 7 से 9 माह के बीच नित्य करने से प्रसव सामान्य एवं शिशु स्वस्थ होता है, मेनली वही प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी अच्छी है, ठीक है। तो और बीपी वगैरह, हिचकी वगैरह, ठीक है। तो 30 to 45 मिनट से डेली करें, आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और ये व्यान मुद्रा, ये वही व्यान जो होती है सर्व शरीर में होती है, तो सर्व शरीर वाले इसमें सिम्टम मतलब सबको सही करेगी एक तरह से। इसमें क्या करना है अपने को, मिडल फिंगर और जो आपकी जो जो थंब के बगल वाली उंगली है इसको थंब से तीनों को दबा करके रखना है 30 to 45 मिनट्स अगर डेली आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप दोनों में लाभकारी है, हृदय रोग में भी लाभकारी है, अचानक रक्तचाप बढ़ने या घटने में भी लाभदायक है, वात पित्त कफ का संतुलन ठीक होता है, ठीक है। तो ये वही व्यान वायु से लिया गया है, तो व्यान वायु के पर इफेक्टिव होगी, ठीक है। व्यान सर्व शरीर में होती है तो इसी वजह से, ठीक है। अब उदान मुद्रा, उदान मुद्रा में क्या है, अपने बस लिटिल फिंगर को छोड़ देना, बाकी चार को आपस में प्रेस करके रखना है। अगर 15 to 30 मिनट्स अगर डेली अपने प्रैक्टिस करते तो कोई भी है अगर थायराइड से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो सही होगी और स्मरण शक्ति बढ़ती है इसमें, ठीक है। और समान मुद्रा, समान मुद्रा में ये अगर 5 5 मिनट दिन में 5 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो इससे तन मन बुद्धि में समन्वय होने से मन प्रसन्न रहता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, ठीक है। तो ये समान मुद्रा है। शंख मुद्रा, शंख मुद्रा में क्या है, आपको एक हाथ का अंगूठा
दूसरे हाथ से दबा करके रखना है, एक शंख के आकार की स्ट्रक्चर मतलब शंख का आकार बनेगा, ठीक है। तो उस तरीके से अगर अपने 15 15 मिनट डेली इसे दिन में 3 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे गले की ग्रंथियां थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों पर अच्छा प्रभाव डालती है, इससे टॉन्सिल्स ठीक होते हैं, स्वर सुरीला होता है, बोलने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। तो अब ये है सहज मुद्रा। सहज मुद्रा में क्या है, सहज शंख मुद्रा, इसमें आपको दोनों थम्स को मिला करके वही बीच में वही सारी उंगलियां आपस में बीच में एक अंदर एक फिक्स कर देनी है, ठीक है, और थम को वही मिला करके देखो, ठीक है। इसमें अगर 15 दिन में 3 बार अगर अपने डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आजकल जो ये कई सारे बीमारियां हो रही है बवासीर पाइल्स फिशर में, ये इनमें काफ़ी फायदा होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, इससे वायु विकार समाप्त होता है, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता समाप्त होती है, ठीक है, जैसे किसी को टाइम पर पीरियड नहीं आते उसके पीरियड्स टाइम पर आने लगे, गले के रोग समाप्त होते हैं, कंठ की आवाज़ में मधुरता आती है, रक्त संचार अच्छा होता है, ठीक है। अब अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा अगर 15 मिनट प्रातः और साय, ठीक है, तो ये अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हृदय आघात, ठीक है, मतलब हार्ट अटैक में तुरंत लाभ करती है, ठीक है, इसको देख लें, ठीक है। जो थंब के बगल वाली फिंगर है उसको थंब के बीच में रखें और बाकी जो लिटिल फिंगर छोड़ दें, बाकी इस तरीके से बाकी दोनों फिंगर को थंब से प्रेस करें, ठीक है। तो ये अपान वायु मुद्रा हो गई, ठीक है। इसमें हृदयाघात हार्ट अटैक में तुरंत लाभ करती है, हृदय के सभी रोग हृदय शूल एंजाइना पेक्टोरिस उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप में लाभकारी है, दिल की धड़कन अचानक बढ़ने घटने में लाभकारी है, घबराहट हिचकी आना बंद हो जाता है, आधे सिर में दर्द में भी लाभ देती है, ठीक है। अब अपान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा आप देख लें, ठीक है, ये आपकी जो मिडल फिंगर है और वही ये पिछले वाले की ही तरह है कुछ, ठीक है। तो ये अपान वायु मुद्रा हो गई, ठीक है, ये जैसे ये था ये दूसरा व्यू था और ये दूसरा व्यू है, बस अपान वायु मुद्रा ही है दोनों, ये इधर से इसलिए दिखा दिया गया ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, चीज़ वही है, 15 15 मिनट दिन में 2 बार करना है। गुर्दा मुद्रा, इसमें क्या है, इसमें वही थंब के बगल वाली और मिडल फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, बाकी दोनों जो बची हुई उंगलियां हैं उनको थंब से प्रेस करके रखना है, 5 से 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है, इससे गुर्दे में जैसे पथरी वगैरह हो जाती है वो सही हो जाएगी, हाथ पैर व मुंह की सूजन में लाभ मिलता है, ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में होने वाले दर्द में भी लाभ मिलता है, ठीक है। मेनली भाई ये भी जो डिजीज होती है वो किडनी के सही काम करने की वजह से नहीं काम करने की वजह से होती है, ठीक है, तो किडनी सही हो जाएगी तो बाकी सारी डिजीज भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। प्राणायाम नासिका मुद्रा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट की दो फिंगर्स हैं इनको स्ट्रेट रखना है, थंब के बगल वाली जो दो फिंगर हैं इनको वही आप बेंड कर दें और थंब के नीचे उसे थोड़ा सा प्रेस करके रखें, तो ये नासिका मुद्रा है, ठीक है। 15 से 20 मिनट अगर इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो शरीर में वायु का दर्द समाप्त होता है, शून्य मुद्रा लगने से ध्वनि प्रदूषण समाप्त होता है, मन भी शांत होता है, ठीक है। अब ये है लिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा अगर 15 से 30 मिनट डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ने से सर्दी के कारण होने वाले रोगों यथा जुकाम खांसी दमा अस्थमा साइनस निमोनिया फेफड़े में पानी भरना टीबी के में लाभ मिलता है, ठीक है। मेनली वही आपकी जो फेफड़ों में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो ठीक होंगी, निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर में भी लाभ मिल रहता है, इस मुद्रा से एलर्जी संक्रमण में भी लाभ मिलता है, ठीक है, एलर्जी की किसी को बीमारी है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, वही दोनों उंगलियां आपस में एक दूसरे वही मिला करके थोड़ी देर बैठे रहना है, 15 से 30 मिनट आप करते हैं तो आपके फेफड़े से बीमारी रिलेटेड बीमारियाँ ठीक रहेंगी, ठीक है। श्वसनी मुद्रा, श्वसनी मुद्रा यह नली में सूजन, यह मुद्रा श्वास नली में सूजन में लाभकारी है, श्वास रोग ठीक होते हैं, श्वास नली में जमे कफ को निकालने में लाभ मिलता है, 5 मिनट 4 से 5 बार डेली करना है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसको क्या है, ठीक है, थंब के ऊपर वही आपको जस्ट थंब के बगल वाली उंगली छोड़ देनी है, मिडल फिंगर टच करानी है, उसके नीचे थंब पे ही वो उसके लास्ट वाली उंगली से बगल वाली टच करानी है, और जो कनिष्ठा है वो थंब के जस्ट नीचे इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, 5 मिनट 4 5 बार दिन में प्रैक्टिस करें, आपकी जो भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं
वो ठीक हो जाएंगे। अस्थमा मुद्रा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, वही मिडल फिंगर दोनों को आपस में टच कराना है, ठीक है, 15 मिनट सुबह शाम प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस मुद्रा से अस्थमा ठीक होता है। पहले श्वसनी मुद्रा 5 मिनट करने के बाद 5 मिनट अस्थमा मुद्रा करना अच्छा रहेगा, ठीक है, 5 5 मिनट करें, और वही इसे अल्टरनेट करें, अस्थमा मुद्रा और श्वसनी मुद्रा जो अपने आप ऊपर पड़ी थी, ठीक है, तो अल्टरनेट पे करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये दिल्ली में अस्थमा वगैरह बहुत फैल रहा है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी ही, पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ये इधर काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। फिर ये नमस्कार मुद्रा, नमस्कार मुद्रा हर घंटे 5 मिनट नित्य, ठीक है, ये कभी भी कर सकते हैं, डेली करें, जब मन तब करें, किसी को नमस्कार करें तो कुछ करें, हाथ जोड़ के करें, जितने भी लोग से आप मिलते हैं, इससे मन को शांति मिलती है, मस्तिष्क का संतुलन अच्छा रहता है, क्रोध कम होता है, विनम्रता बढ़ती है, ठीक है। हाथ जोड़ के आप कभी भी देखें तो आपको एक अच्छी फीलिंग्स आती है, तो वही है, ठीक है, थैंक यू।